हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज के वीडियो में हमारे पास है यस्सी रोडस्टर और जावा की फॉल 2.2। तो दोनों बाइक्स का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सिमिलर हैं बाइक्स, काफ़ी डिफरेंट है अपने आप में। तो दोनों बाइक्स के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कौन सी आपके लिए बेटर है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी आपको ज़्यादा सूट करेगी, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है। तो मैं ऐसी वीडियोज़ डालता रहता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, तो सबसे पहले आगे से बात करनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक एलईडी हेडलाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल हैलोजन लाइट मिलती है और एक क्लियर ग्लास नहीं है। हैलोजन इंडिकेटर्स आते हैं दोनों ही बाइक्स में, इधर आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, इधर आपको सिल्वर फिनिश में मिलते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कलर्स अलग अलग वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो टायर मिलता है उसके अलॉयज भी डिफरेंट है, इस पर अलॉयज डिफरेंट है। टायर का साइज है 90 सेक्शन का, इस पर आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है। और डिस्क ब्रेक जो है आगे वाली, इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है मेरे को पर्सनली। बड़ी डिस्क ब्रेक ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसका लुक काफ़ी बेटर आता है कंपेयर्ड टू दिस। ओके, तो वो एक चीज़ है जो थोड़ी सी अलग है। डुअल चैनल एबीएस दोनों ही बाइक्स में आता है, अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। तो अब बात करनी स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो यूनिट है वो एग्जैक्टली सेम है दोनों बाइक्स में। दोनों बाइक में LCD आती है डिस्प्ले और सेम ही है स्टार्टअप, ये रहा जावा का और यस्सी का भी सेम ही, ये आप देख सकते हो। ओके, तो अब एक डिफरेंस का जो पॉइंट आ जाता है, इसका साइड में माउंटेड है थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा राइट साइड माउंटेड है, ऑफसेट है सेंटर से, इसका सेंटर में ही माउंट आता है, तो वो एक चीज़ है डिफरेंस वाली। टैंक कैपेसिटी इधर आती है 14 लीटर की और इधर आता है टैंक हमारा 12.5 लीटर का। ओके, तो अब बैठ कर बात करते हैं इस बाइक पर, थोड़ा सा फिर आपको बताना स्टार्ट करते हैं सब कुछ इसके बारे में। ओके, तो बैठते ही मैं जो फील कर रहा हूँ, दोनों में हैंडल बार का डिफरेंस है। हैंडल बार लो और वाइड है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और पकड़ने में। अगर आपको ट्रैफिक में से फिल्टर करना है, सिटी में चलानी है, तो अच्छी खासी लेवरेज आपको मिल जाती है बाइक को घुमाने के लिए। टैंक जो है काफ़ी चौड़ा है, तो उसकी वजह से काफ़ी मस्कुलर लगती है बाइक अगर देखा जाए तो वो एक अच्छी चीज़ है। 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है, तो लगभग 1.5 लीटर इसमें कैपेसिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है। सीट हाइट इसकी कम है, उसकी ज़्यादा है। इधर ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 165 mm की, इधर ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 175 mm की, तो 10 mm ज़्यादा उधर ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। सीट हाइट की बात करी जाए तो इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है और उसकी सीट की जो लेंथ है वो काफ़ी कम है, शॉर्ट सीट मिलती है आपको। इधर आप देखें तो आपको डबल सीट मिलती है, स्प्लिट सीट का सेटअप मिलता है, और जो ज़्यादा वाइड है कंपेयर किया जाए तो, और लंबी भी है। इस वाली बाइक की जो सीट हाइट है वो कंपेयर टू दैट ज़्यादा है। तो अगर आपकी हाइट कम है, 5'5", 5'6" के आसपास आपकी हाइट है, तो आप उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे और ज़्यादा आराम से उस पर उसको हैंडल कर पाओगे। ओके, तो वो एक चीज़ है जो दिमाग में रखनी चाहिए इस बाइक को लेते हुए। अगर आप इस पर जा रहे हो तो याद रखना कि इसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है और वेट भी ज़्यादा है। ओके, तो मोड्स किसी भी बाइक में नहीं आते हैं दोनों में से। इंजन की जो केसिंग है वो ब्लैक है इसमें भी और इसमें भी, डिपेंडिंग अपॉन कलर्स। इसमें आपको 7 कलर मिल जाते हैं, उसमें आपको 4 कलर मिल जाते हैं, तो वेरिएशन इसमें बहुत ही ज़्यादा है। और इंजन की बात करते हैं अब, तो इसमें आपका आता है 293 cc का इंजन जो 27 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 27 Nm का ही टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इधर आपको मिलता है 334 cc का इंजन, 27 Nm का टॉर्क और 29.9 PS की पावर। तो इंजन ये ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल है और इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा ही कम पावरफुल है कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स, 6-speed का गियरबॉक्स आता है दोनों ही इंजन में। लिक्विड कूल्ड इंजन है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने बता दिया आपको। ये वाला जो सेक्शन मिलता है ये दोनों बाइक्स का सिमिलर है काफ़ी ज़्यादा, ये आप देख सकते हो। बस बैजिंग का डिफरेंस आता है दोनों में, ये आप देख सकते हो दोनों। अगर रियर टायर की बात करी जाए, इधर आपको टायर मिलता है 120 सेक्शन का, इधर आपको टायर मिलता है 130 सेक्शन का, तो 10-10 mm दोनों ही टायर इस वाली इस बाइक के बड़े हैं। इसका पीछे का टायर वाइड होने की वजह से यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक का सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको कोई भी प्लास्टिक का सेक्शन नहीं मिलता है यहाँ पर ऐसे देखने के लिए। टेल लाइट की बात करें, इसमें स्क्वायरिश टेल लाइट आती है, इसमें राउंड टेल लाइट आती है। पर्सनली मेरे को ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। ओके, तो एग्जॉस्ट दोनों में ही ब्लैक आते हैं, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कलर्स वेरी कर सकता है। तो अब अगर अपील की बात करें तो वो वाली बाइक थोड़ी क्लासिक जो पसंद करते हैं लोग, जो थोड़ी रेट्रो बाइक्स पसंद करते हैं, कम क्लटर वाली, जो LED वाली शोशेबाजी वाली नहीं होती, उनको ये वाली बाइक ज़्यादा पसंद आएगी। और जिनको थोड़ी न्यू रेट्रो मोटरसाइकिल चाहिए और क्रूजिंग ज़्यादा करनी है, उनको ये वाली बाइक ज़्यादा पसंद आएगी रोड्स पर। ये वाली बाइक की जो ऑडियंस है वो थोड़ी ज़्यादा मैच्योर टाइप हो सकती है, ये वाली बाइक की जो ऑडियंस है वो थोड़ी लोअर एज में होगी, क्योंकि इसमें LED लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, डिस्क ब्रेक बड़े मिल जाते हैं,
मतलब ज़्यादा शोई बाइक ये है कंपेयर टू दैट, पर वो बाइक भी कम नहीं है यार. मतलब आई लाइक दिस बाइक मोर जस्ट बिकॉज ऑफ द फील इट गिव्स व्हेन यू राइड इट. जैसे ही बैठोगे ना, इस फील में बहुत डिफरेंस है दोनों बाइक्स के. अगर इसके बैकरेस्ट की बात करें तो बैकरेस्ट जो आता है इस बाइक में वो कुशन नहीं आता, वहाँ पर आपको कुशन बैकरेस्ट मिल जाता है. तो वो एक चीज़ है जो इसमें और इसमें डिफरेंट है. वेट में जो डिफरेंस आता है, ये वाली बाइक आती है आपकी 179 केजीज के आसपास की, और ये वाली बाइक आती है आपकी 173-172 केजीज के आसपास की. तो वेट में वो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. पर्सनली अगर देखा जाए तो मेरे को इस बाइक का लुक ज़्यादा पसंद है. अगर इस वाली बाइक में ये वाला इंजन दे देता ना, ये वाली बाइक जीत जाती. अब रह गई प्राइस की बात. तो प्राइस की बात करें अगर, तो ये 196 एक्स शोरूम आ जाती है, और ये आती है 2.06. ठीक है, तो 206,000 की ये बाइक आपको एक शोरूम मिल सकती है, और ये बाइक मिल सकती है आपको 1.96, 196,000 की. तो ये दोनों का प्राइस डिफरेंस हो गया. सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी बाइक की. कोई भी सवाल हो तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय गाइस, टेक केयर.